स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल में। और आज एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे बचपन से लेके अब तक बस चल ही रहा है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप सही समझ गए होंगे। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में आज ये वीडियो क्यों है, वो है उनकी गिरती टीआरपी की वजह से और उनको वापस से बोलने के लिए कि बेहतर होगा अगर आप ये शो बंद कर देते, क्योंकि जबरदस्ती शो को चलाना एक तरह से वक्त को बर्बाद करना है और पैसा बर्बाद करना है। पहले हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते में इनकी टीआरपी थोड़ी सी बढ़ी थी, मगर एवरेज जो इनकी टीआरपी निकल के आती है हर हफ्ते की वो 1.5-1.6 होती है, जो कि ठीक ठाक है। जब इन्होंने पिछली बार में दया का ट्रैक चलाया था कि दया वापस आने वाली है, तब इनकी टीआरपी 2.1 हो गई थी उस हफ्ते। उसके बाद जैसे ही वो ट्रैक खत्म हुआ और फिर उन्होंने नया ट्रैक चला दिया कि रोशन की वापसी होने वाली है, उसमें उनका ट्रैक गिर गया था 2.1 से लेके 1.9 तक, जो कि फिर भी ठीक है। मगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नॉस्टैल्जिक फील लेके आता है। मगर कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर हैं असित मोदी, पैसे कमाने के चक्कर में अपने एक्टर से लड़ रहे हैं, जबरदस्ती शो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फाइनली ये मेरा मानना है कि शो को शायद बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पुराने एक्टर्स थे वो शायद वापस नहीं आ सकते, ना ही वो वापस आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर चेंज हो जाते हैं फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, शो को वापस से कर सकते हैं। मगर अभी तक तो बातचीत यही रहती है, देखते हैं आगे शो का क्या होता है। आप लोग बताइए आपका क्या व्यूज जाता है इस पे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो भी आपका ओपिनियन होगा उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कॉन्टेंट पसंद आता है हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।